तो चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश भर में बारिश देखने को मिल सकती है। 11 मई से बारिश का सिलसिला जो है पूरे प्रदेश में बढ़ेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत देते हुए कहा है, चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी तैयारी के साथ आएं, बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट होने के आसार हैं। बोला हल्के से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो है जो एक्टिविटी वो है। लेकिन है क्योंकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशंस है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी, और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको उस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए जी।